Welcome everyone in SP lecture. This is lecture 2 and we have already covered definition of shares and features of share. So we are proceeding further. So here in front of our screen you can see definition. Definition is as per section 2, subsection 84 of the Companies Act 2013. Share means a share in the share capital of the company and include stock. So share क्या है? Share एक हिस्सा है, share एक proportion है. किस चीज का? Total share capital का. Company का जितना भी share capital है उसमें से एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. और इसके अंदर क्या इंक्लूड है? स्टॉक भी इंक्लूड है. हमने देखा था फॉरेन मार्केट में शेयर को क्या बोला जाता है? स्टॉक भी बोला जाता है, ठीक है. तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. और शेयर के डेफिनेशन के बाद में हमने उसके फीचर्स को देखा. फीचर नंबर 1 मीनिंग क्या था? जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं, ठीक है. ओनरशिप, जब आप शेयर परचेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो? यू बिकेम शेयर होल्डर. और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ओनरशिप राइट, आप ओनर बन जाते हैं. डिस्टिंक्टिव नंबर, हर एक शेयर का अपना क्या होता है? डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, ठीक है, मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट, जो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है. हाँ, अगर वो डीमटेरियलाइज्ड हो गया, डीमटेरियलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होगा. लेकिन अगर वो फिजिकल फॉर्मेट में है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? नंबर लिखा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्टिव नंबर. अगर एक सर्टिफिकेट के अंदर 50 शेयर हैं तो 50 शेयर के अलग अलग नंबर्स होंगे, ठीक है ना. तो हर एक शेयर को उसके डिस्टिंक्टिव नंबर से पहचाना जाता है. एविडेंस ऑफ टाइटल, एविडेंस ऑफ टाइटल का मतलब क्या है? सबूत है, प्रूफ है. किस चीज का प्रूफ है? टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप. आपने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, आप कंपनी के ओनर हो, इसका क्या प्रूफ है? इसका ये प्रूफ है कि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है. तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एविडेंस ऑफ टाइटल जो कंपनी के कॉमन सील के थ्रू दिया जाता है. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर. तो यहां पर 3 वैल्यू हमने देखे. पहला फेस वैल्यू, बताया था थोबड़ा प्राइस जो सर्टिफिकेट के फेस पे लिखा हुआ है. मैंने इसको कंपेयर किया था एमआरपी के साथ में, ठीक है. तो ये फेस पे लिखा हुआ प्राइस है. द वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी ये प्राइस लिखा हुआ होता है. इशू प्राइस, ये कौन सा प्राइस है? ऐसा प्राइस जिसपे कंपनी शेयर इशू कर रही है, दे रही है, पब्लिक को दे रही है, ठीक है. वो फेस वैल्यू के सेम भी हो सकता है. जैसे 10 का फेस वैल्यू और आपने 10 में शेयर इशू किया तो उसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार. 10 से ज्यादा में इशू किया, मैंने 12 रुपीज में इशू किया तो क्या बोलेंगे? इशूड एट प्रीमियम. कितना प्रीमियम? 2 रुपीज प्रीमियम. और अगर मैंने 8 रुपीज में इशू किया तो मैंने कितने में दिया? डिस्काउंट में, 2 रुपीज डिस्काउंट में, ठीक है. तो इशू ऑफ डिस्काउंट, ऐसा इसको समझेंगे. तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस हमने देखा. थर्ड है मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या होता है? ऐसा प्राइस जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है. और हमें कहाँ दिखता है? स्टॉक मार्केट में दिखता है, शेयर मार्केट में दिखता है, स्टॉक एक्सचेंज में दिखता है. तो आज की तारीख में आप कोई भी शेयर का प्राइस अगर स्टॉक एक्सचेंज में देखो तो आप कौन सा प्राइस देख रहे हो? आप देख रहे हो मार्केट वैल्यू, ठीक है. कौन सा प्राइस देख रहे हो? मार्केट वैल्यू. राइट्स, क्या अधिकार मिल जाते हैं आपको? शेयर होल्डर बनने के बाद शेयर होल्डर के सारे अधिकार मिल जाते हैं. मीटिंग अटेंड करने से लेकर के मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए. आप मीटिंग में अपनी बात रख सकते हो, जो कि ग्रीवेंसेस है वो बता सकते हो. बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हो. देखो यहाँ पर एन नंबर ऑफ थिंग्स दिया हुआ है. जैसे राइट्स ऑन इट्स होल्डर सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिलने का अधिकार है. राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, जो लीगल बुक्स है कंपनीज ने जो स्टैट्यूटरी कंपल्सरी बुक बना के रखी हुई है उसको आप चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो. राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर की कोई भी मीटिंग होगी तो आप उसको अटेंड कर सकते हो. राइट टू वोट, तो आप क्या कर सकते हो? जब भी वोटिंग होगी तो आपको अधिकार मिलेगा कि आप उस मीटिंग में वोट कर सकते हो. कौन से मीटिंग में? जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर के मीटिंग, ठीक है.
तो यहाँ पर डिविडेंड मिलने से लेकर मीटिंग अटेंड करने से लेकर के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने से लेकर के जो भी राइट्स होते हैं शेयर होल्डर के वो आपको शेयर खरीदते ही मिल जाते हैं। अच्छा इनकम क्या मिलेगा, इनकम विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा आपने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी, क्या आप इस शेयर को बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, यस। अगर इक्विटी शेयर है, देखो लिखा है द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर है इक्विटी शेयर तो आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उस रूल्स एंड रेगुलेशन से। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का क्या होता है, वो एसेट होता है, ठीक है। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, मूवेबल क्यों बोला, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह शेयर को लेकर के जा सकते हो, इसके लिए क्या है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग होता है वो क्या होता है, इमूवेबल। आप लैंड एंड बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते नहीं हो, तो वो इमूवेबल है। बट जो शेयर है, शेयर को तो हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए इसको क्या बोला गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। काइंड ऑफ शेयर, टू टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, दो टाइप है, कौन से दो टाइप, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था और इसको हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ काइंड्स ऑफ शेयर को एलाबोरेट किया है एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से टाइप्स के शेयर हो सकते हैं। पहला क्या, राइट टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल, मैनेजमेंट को। तो कुछ शेयर के साथ में क्या मिलता है, मैनेजमेंट कंट्रोलिंग राइट होता है। जैसे इक्विटी शेयर है तो आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मीटिंग अटेंड कर सकते हो, अपना वोट दे सकते हो, तो आपके पास कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा इनकम के ऊपर बेस्ड, इनकम मतलब क्या हो जाता है, डिविडेंड वगैरह आपको कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। और तीसरा रिस्क के ऊपर, हाईली रिस्की है या कम रिस्की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो दो टाइप जो हमको एलेबोरेट करके मेन बताए गए हैं, वो दो टाइप कौन से हैं, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और फिर उसके अलग अलग टाइप्स बताए गए, तो हम लोग इसको पीपीटी में देखते हैं। तो कल के दिन हमने एक पीपीटी देखी थी और जिसके थ्रू, जिसकी मदद से हमने कुछ पॉइंट्स सीखे, जिसमें शेयर्स वगैरह सब आ गया था। कैपिटल फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है, क्यों यूज होता है, तो फिक्स्ड एसेट परचेस करने में होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, जिसमें हम वेजेस के लिए और रॉ मटेरियल के लिए पैसे खर्च करते हैं। मेथड ऑफ कैपिटल देखा कहाँ कहाँ से आता है, उसमें भी हमने टाइप देखा, ओन फंड, बोरोड फंड। ओन फंड के अंदर इश्यू ऑफ शेयर, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बोरोड फंड के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, फिर बैंक क्रेडिट, एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेड क्रेडिट। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। अलग अलग सोर्सेस है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स सिर्फ एक ही है, क्या, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और उसके अलावा बाकी के सारे जो सोर्सेस है वो क्या है, वो सारे सोर्सेस एक्सटर्नल है, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, एडीआर, जीडीआर, जो भी कुछ हो, उस सब का सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, बैंक क्रेडिट एटसेट्रा। वॉट इज शेयर, शेयर क्या होता है हमने देखा। डेफिनेशन, अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो ओल्ड बुक से लिखा हुआ है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 वाला, बट हम लोग को 1956 वाला नहीं करना है, हमको करना है कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। तो ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। देखो इसमें भी कैसा लिखा, शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, इसमें बाकी सब भी दिया हुआ है, उतना हमको लिखना नहीं। जो डेफिनेशन हमने टू टाइम लिखा था उसको हमें बाय ऐड करना है। नेक्स्ट फीचर्स देखा, फीचर्स पहला मीनिंग देखा, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल होता है, दूसरा फेस वैल्यू, तीसरा इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट में होगा तो कम प्राइस में जाएगा,
ओनरशिप, जब आप शेयर परचेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। उसके बाद हमने पूरा का पूरा शेयर सर्टिफिकेट देखा कि कैसा शेयर सर्टिफिकेट दिखता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, फेस वैल्यू क्या है, पेड अप वैल्यू क्या है, नाम कैसे लिखा रहता है, डिस्टिंक्टिव नंबर कैसे लिखा रहता है, रजिस्टर फोलियो नंबर कैसे लिखा होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर ये कैसा लिखा होता है शेयर में ये हमको पता है, फिर डेट लिखा होता है कौन से डेट पे इशू हुआ है, फिर उसमें क्या होता है, उसके अंदर होता है स्टैम्प, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू स्टैम्प, और क्या होगा, कंपनी का कॉमन सील, और क्या है, सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स एंड वन ऑथराइज सिग्नेचर, ही कौन होगा वो, सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी का भी साइन इसके अंदर होता है। ट्रांसफरेबल, क्या ट्रांसफरेबल होता है, हाँ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपको राइट्स मिल जाते हैं, इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको मिलता है, काइंड्स हमने देखा, मोड ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो सकता है, पहला जो पैसा मिलता है हम उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकेंड टाइम जो हम पैसा मांगते हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद जो भी होता है वो कॉल होता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, ऐसे करके हम पूरे के पूरे 10 रुपए मंगा सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। Just wait for a minute. तो paid up value ये हमने देखा, तो जितना पैसा कंपनी ने डिमांड किया है उसको हम बोलते हैं कॉल मेड बाय कंपनी, और जितना पैसा शेयर होल्डर ने पे किया है उसको हम बोलते हैं पेड अप वैल्यू। तो 10 रुपए अगर पूरे आ गए हैं जैसा आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली पेड अप, लेकिन अगर पार्टली पेड अप है, ठीक है, पूरा पैसा नहीं आया, पार्ट अमाउंट है, तो वहां पर कंपनी बार बार पैसे डिमांड करती है, और कंपनी की डिमांड करने के बाद भी अगर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसका शेयर फोरफिट कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने देखा था, यहां तक फिनिश हो गया था। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस एज स्टेटेड बिलो। अब ये क्लास बहुत ध्यान से आप देखो, ठीक है, सबसे पहले टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ही आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि प्रमोटर्स ने डिसाइड किया कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में, कंपनी पूरे अपने जीवन काल में कितने पैसे पब्लिक से लेगी, कितने पैसे पब्लिक से लेगी, वो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है। और देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बहुत छोटा अमाउंट लिखे ताकि आपको समझ में आए, जो कितना लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये 10 लाख रुपीज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, कि ईच शेयर इज कॉस्टिंग रुपीज 10, मतलब ये जो टोटल 10 लाख रुपीज है वो 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। ऐसे 1 लाख शेयर अगर मैं मार्केट में बेचू तो मुझको कितना अमाउंट मिलेगा, 10 लाख रुपीज मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इसको लिखने का मतलब ये नहीं कि कंपनी आज का आज ये पूरा का पूरा शेयर इशू कर देगी, ये कंपनी का पूरा लाइफ टाइम में इशू करने वाला पैसा है। हो सकता है मुझको अभी इसकी जरूरत ना हो, मुझे सिर्फ जरूरत है 4 लाख की या 6 लाख रुपए की, 10 लाख की अभी जरूरत मुझे नहीं है, तो जब जरूरत होगी बाकी का पैसा मैं तब रेज करूंगा। तो आज जो मैंने पूरा अमाउंट एक साथ लिख दिया उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल को देखो अभी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, इशूड कैपिटल, फर्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जितने पैसे की मुझे जरूरत है उतने का मैं शेयर अभी इशू कर रहा हूं, ठीक है। तो 10 लाख में से मुझे लगता है ये 6 लाख रुपए की मुझे जरूरत है, तो 6 लाख के लिए मुझे मार्केट में कितना शेयर उतारना पड़ेगा, 60,000। अब 60,000 शेयर में 10 रुपए का बेचूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6 लाख रुपीज। इस भावना से, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो मैंने इशू नहीं किया उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा अनइश्यूड कैपिटल। क्या बोलूंगा, अनइश्यूड कैपिटल। तो ये 4 लाख रुपीज मैंने अभी इशू नहीं किया है, मुझे जब लगेगा आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स जब और पैसे की जरूरत है, जब एक्सपांशन करूंगा, डाइवर्सिफिकेशन करूंगा, मॉडर्नाइजेशन करूंगा, अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा, एक्सपांड करूंगा, तब हो सकता है कि मैं ये अमाउंट विड्रॉ करूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये इशू नहीं कर रहा हूं, इसको बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट इज
सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो ये अनइश्यूड वाले को छोड़ ही दो, उसका पॉइंट वहां पर फिनिश होगा, जब इश्यू होगा तब देखा जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने क्या है, इश्यूड कैपिटल के अंदर इसको डिवाइड किया है सब्सक्राइब कैपिटल में। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो। अब मैं 6 लाख रुपए के शेयर बेचने निकला हूं, आई वॉन्ट टू सेल दिस शेयर, मुझे चाहिए कस्टमर जो इसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। ओके, व्यूअर ऑन सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, अभी हम पहले देख रहे थे इश्यूड कैपिटल जो मैं सेल करने के लिए निकला हूं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि मैं जितना बेचूंगा उतना पब्लिक खरीदेगी, तो मैं 60,000 शेयर बेचना चाहता हूं लेकिन पब्लिक ने परचेस किया ओनली 50,000, उन्होंने सब्सक्राइब किया, मतलब ये क्या है, ये है अंडर सब्सक्रिप्शन, मैं जितना बेचना चाहता था उतना बिका नहीं है। आई वॉन्टेड टू सेल 60,000 शेयर बट इन दी मार्केट दे हैव परचेस्ड ओनली 50,000, उन्होंने मेरा बाकी का शेयर परचेस नहीं किया। तो जो परचेस नहीं किया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। वापस एक बार सुनो, 60,000 शेयर मुझे बेचना था तो जो बिका उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब, जो परचेस किया लोगों ने, और जो लोगों ने परचेस नहीं किया वो क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब। नेक्स्ट, सब्सक्राइब में से भी अब हर एक शेयर का 10 रुपए मुझे चाहिए था, तो मैंने बताया मैं एक साथ पूरे पैसे लेता नहीं हूं, इंस्टॉलमेंट में लेता हूं। तो मैंने बोला कि मुझे स्टार्टिंग में कितना चाहिए, 3 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। 3 लाख रुपीज का मतलब क्या हो गया कि जो भी अमाउंट होगा पर शेयर बेसिस में, सपोज 3 रुपीज है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, कॉल्ड अप हो गया। तो जितना मैंने नहीं मंगाया, अब ये 5 लाख रुपीज मेरे पास आना चाहिए था, तो 3 लाख रुपए मैंने मंगाया है, 2 लाख मैं बाद में मंगाऊंगा। बाद में कब मंगाऊंगा, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है 5-6 महीने के बाद, 8-10 महीने के बाद, या 12 महीने के बाद, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाकी पैसे मंगा लूंगा, जिसको मैं बोलता हूं अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जो पैसा मैंने मंगाया 3 लाख, तो पब्लिक ने हो सकता है पूरा दिया भी हो, ना भी दिया हो, तो जो पैसा पब्लिक ने दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पेड अप। क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। और जो पैसा पब्लिक ने नहीं दिया है, हमने मांगा लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनपेड कैपिटल, या बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, है ना। तो देखो 3 लाख रुपीज में अभी तक पब्लिक ने मुझे 2,80,000 रुपीज दिया है, और 20,000 रुपीज अभी भी आना बाकी है। What is the meaning of arrear? ठीक है, यहाँ पे आयुष का क्वेश्चन है, arrears का मतलब क्या होता है? तो students, arrear मतलब जो भी कुछ बकाया है उसको arrears बोलते हैं। जैसे देखो कभी कभी आपका लाइट का बिल आता है और आपने 1 month का लाइट का बिल पे नहीं किया है, तो नेक्स्ट मंथ के बिल में क्या आएगा, बिल्स इन arrears, ऐसा लिख करके आएगा। arrears का मतलब बकाया है, पे करना बाकी है। तो यहाँ पर कॉल्स इन arrears मतलब हमें मिलना बाकी है, ठीक है। तो जो भी बकाया राशि होती है, बैलेंस पेमेंट जो हमें मिलने वाला है, उसको अरियर्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप 1 महीने का बिल मत पे करो, नेक्स्ट मंथ आपको लिख के आएगा बिल्स इन अरियर्स ऑफ द लास्ट मंथ, ठीक है। तो अरियर्स का मतलब होता है बाकी अमाउंट, बकाया राशि, ठीक है। अंडरस्टूड, यस आयुष, ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये जो अनकॉल्ड मनी है कितना, 2 लाख रुपीज, जो हम बाद में कभी मंगाने वाले हैं, तो उसमें से एक रहता है अनरिजर्व्ड कैपिटल। अनरिजर्व्ड कैपिटल मतलब जो हम मंगाएंगे, और दूसरा होता है रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है वो समझेंगे तो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड आपको समझ में आ जाएगा। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हम कंपनी के लाइफ टाइम में मंगाने वाले नहीं है। कब मंगाएंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, मतलब एकदम हमको अर्जेंसी आ जाएगी, इमरजेंसी है, हमारे पास और कहीं से कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल पैसा बचा नहीं है, तब जाके हम लोग ये पैसा मंगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल, ठीक है।
तो ये एकदम लास्ट अमाउंट है। तो ये जो 150,000 ये अनरिजर्व है, अनरिजर्व मतलब जैसे हमको जब भी जरूरत पड़ेगी, 5 महीने बाद, 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, कभी भी पड़ेगी जरूरत हम ये पैसा मंगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनरिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो ये चार्ट, आपको अच्छे से समझना है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में ये सिलेबस में से आपके निकाल दिया गया था, बट न्यू सिलेबस में इसको फिर से डाल दिया गया, तो हम लोग इसको देख रहे हैं फिर से। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऐसा शेयर कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतना अमाउंट पब्लिक से ले सकती है। किससे ले सकती है? पब्लिक से, लेकिन ये लाइफ टाइम में, अभी का अभी लेना ऐसा जरूरी नहीं। अभी हमको कितनी जरूरत है? एग्जाम्पल है 6 लाख रुपीज की हमें जरूरत है, तो 60,000 शेयर हम क्या करेंगे? इश्यू करेंगे। जो हमने इश्यू नहीं किया है वो क्या है? अन इश्यूड कैपिटल, जो हम लोग फ्यूचर में कभी इश्यू करें। ठीक है, इसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? हमने जो मार्केट में शेयर बेचना चाहा उतना पूरा बिका नहीं है, ये 60,000 में से 50,000 बिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब। जितना नहीं बिका वो है अनसब्सक्राइब। तो इसका क्या करेंगे? ये जो अनसब्सक्राइब है फ्यूचर में कभी इश्यू करेंगे फिर से, जब जरूरत पड़ेगी फिर से इश्यू करेंगे। अब जो बिका है उसमें से हम जो पैसा मंगा रहे हैं इसको बोलेंगे कॉल्ड अप, और जो बाद में मंगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप। जो बाद में मंगाएंगे उसमें दो हिस्सा है, एक जो हम कभी नहीं मंगाएंगे, तब मंगाएंगे कंपनी बंद होगी तब, ये 50,000 हम बाद में मंगाएं, ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है, नॉट नेसेसरी 50,000 या 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कंपनी। ठीक है, तो ये 50,000 हमने रिजर्व रखा है कि कंपनी बंद होगी तब मंगाया जाएगा, और ये जो अनरिजर्व कैपिटल है ये जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर हम इसे मंगा सकते। अच्छा, रह गई बात कॉल्ड अप की। कॉल्ड अप हमने कितना पैसा मंगाया? 3 लाख। लेकिन होता ना, हम जितना पैसा डिमांड करते हैं उतना कभी कभी पब्लिक देती नहीं है, तो जितना पब्लिक ने पे किया है उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और जितना उनसे लेना बाकी है उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, नो डाउट। ठीक है, मूव अहेड। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर? अलग अलग टाइप्स ऑफ शेयर देख रहे हैं हम लोग। अ कंपनी कैन इश्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर, तो यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू इश्यू ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर। 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और इसके अलावा बोनस शेयर को भी इश्यू किया जा सकता है। ठीक है, और ये डेफर्ड शेयर अभी प्राइवेट कंपनी इश्यू करती है, तो इसके हम लोग बारे में बात नहीं करेंगे, जो आपके सिलेबस में उतनी बात करेंगे। हम 3 चीजों के ऊपर बात करें, पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा बोनस शेयर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स। जिनको लिखना होगा नोटबुक में अभी, दे कैन राइट एज वेल अलॉन्ग विथ बी, ये आपके सामने है, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में लिखिए, डिपेंड अपॉन यू, लेकिन इसको लिखिए जरूर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर, एवरी कंपनी मस्ट इश्यू इक्विटी शेयर। अभी ये ऑर्डिनरी मतलब सामान्य शेयर, एकदम नॉर्मल शेयर है, और हर एक कंपनी को ये शेयर इश्यू करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इससे हमको मिलता है इनिशियल कैपिटल। ये कंपनी का खुद का पैसा बन जाता है, क्योंकि ये ओनर्स ने दिया। किसने दिया? ओनर्स ने। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड कैपिटल, या बोल सकते हैं रिस्क कैपिटल, या बोल सकते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट। इक्विटी शेयर को कोई स्पेशल राइट मिलता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल शेयर है, और नॉर्मल शेयर को या जनरल शेयर को जनरल राइट नहीं मिलेंगे, स्पेशल राइट नहीं मिलेगा। और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो इनका सबसे लास्ट में अधिकार होगा, लास्ट में। इसके लिए बोला गया इसमें इनको कोई प्रिविलेज मिलने वाला नहीं है। जब भी कंपनी रिपेमेंट करेगी, किसका रिपेमेंट करने वाली है? कैपिटल का रिपेमेंट करने वाली है। कब करेगी? जब कंपनी बंद होगी, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर क्या होता है? परमानेंट कैपिटल होता है। ठीक है, और इसका पैसा रिटर्न कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तो ही पैसा मिलेगा। तो जब कंपनी बंद होगी तो भी पहले पैसा किसको देंगे? दूसरे शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलेगा।
तो इनको कोई स्पेशल राइट नहीं मिलता, कोई प्रिविलेज नहीं मिलता, डिविडेंड भी पहले नहीं मिलता, इनका खुद का कैपिटल इनको पहले मिलता नहीं है। इक्विटी शेयर्स मींस दोस शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, एकदम सीधी बात में बता दिया, ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते उनको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, वो इक्विटी शेयर है। तो इट इज वेरी मच क्लियर, इक्विटी शेयर हमें पता चल गया क्या है। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ओनली इफ प्रॉफिट इज अवेलेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है ना, यहां पर क्या बताया कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा फिक्स होता है जो किसको देना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर कोई पैसा बचा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, अगर सपोज पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा नहीं। फिर से एक बार सुन, कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन इनफ प्रॉफिट नहीं हुआ, अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत कम प्रॉफिट हुआ, तो पहले उसको किसको डिविडेंड देना पड़ेगा, पहले डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है ना, पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा और ये डिविडेंड देते देते पैसे खत्म हो गए तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा? नहीं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क उनका ही है और सबसे लास्ट में डिविडेंड उनको ही मिलता है। एंड देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। बंद भी हुई और पैसे बांटते बांटते खत्म हो गए, इक्विटी शेयर तक नहीं पहुंचे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको पैसे मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, इक्विटी शेयर आर लिंक्ड विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट कम करेगी तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो आपको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी इसके साथ वो जुड़ा रहता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मैंने अभी अभी बताया, मोर डिविडेंड मोर प्रॉफिट, है ना, ऐसा ही है। मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड, तो वही बोलेंगे मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। किसकी बात करें हम लोग, हम लोग इक्विटी शेयर की बात करें। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनी कलेक्ट मेजर पोर्शन ऑफ द कैपिटल थ्रू द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ज्यादातर जो कैपिटल कंपनी के पास आता है वो कहां से आता है, इक्विटी शेयर के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, इक्विटी शेयर के। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अभी फीचर्स देख लेते फटाफट। तो दो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर और फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो आपको देखो ज्यादातर ये जो फीचर्स है, अभी अभी हम लोग ने जो फीचर्स ऑफ शेयर किया उसके जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि शेयर और इक्विटी शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है, ये उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको सेम लगेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ गया परमानेंट कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैसा कैपिटल है, ये परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल का मतलब एक बार ये पैसा आपने दे दिया कंपनी को तो ये पैसा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। कंपनी के बंद होने के बाद भी अगर कंपनी के पास पैसा बचा है तो आपको देगी, नहीं बचा है तो आपका पैसा डूब गया। आपने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं हमारा पैसा डूब गया शेयर मार्केट में, कंपनी बंद हो गई, अभी हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर यही चीज है कि आपने जो पैसा लगाया कंपनी के अंदर उसको हम बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल, जो पैसा आपको लाइफ टाइम मिलेगा नहीं, कब मिलेगा, कंपनी के बंद होने के बाद, वो भी होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉट रिफंडेबल। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, उसका डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता, हो सकता है इस साल आपको 20% डिविडेंड दिया है, अगले साल आपको 10% भी ना मिले, या नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ तो आपको जीरो डिविडेंड मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा डिविडेंड का। तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, ये चेंज होते रहता है। जैसा मैंने बताया मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, इसको बोलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। नेक्स्ट है रिस्की कैपिटल। जो हमारा इक्विटी शेयर है वो कैसा कैपिटल है, रिस्क टू कैपिटल है। क्यों इस पे रिस्क है, क्योंकि अगर आपने इक्विटी शेयर परचेस किया ना
तो डिविडेंड भी लास्ट में मिलेगा, आपका कैपिटल भी सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, आपको वेट करना पड़ता है, और वेट करते करते अगर कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए तो आपको जीरो मिलेगा, नील बटा सन्नाटा, ठीक है ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर हाई रिस्क है। पॉइंट नंबर फोर, क्या आपको वोटिंग राइट मिलता है? आप इक्विटी शेयर परचेस करोगे तो क्या आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको वोटिंग का अधिकार है, आप शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड कर सकते हो और उसमें जो भी निर्णय होगा उस समय आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वोट करने का आपको अधिकार मिल जाता है। नंबर फाइव, फायदा क्या है, बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर। अगर आप इक्विटी शेयर परचेस करते हो, आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो इक्विटी शेयर खरीदे नहीं, कितना रिस्की है, कितना प्रॉब्लम है, डिविडेंड भी लास्ट में मिलेगा, रिपेमेंट भी लास्ट में मिलेगा, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है इसमें, आपको बोनस शेयर मिलता है। बोनस शेयर क्या होता है, कुछ शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ये राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को होता है कि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर को कुछ शेयर फ्री में दे दे, रेशियो में होता है। फॉर एग्जाम्पल 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो मतलब अगर आपके पास 3 शेयर है तो हम 2 फ्री में दे देंगे, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 2:1 है, आपके पास 2 है तो हम एक और दे देंगे, तो आपके पास 2 था तो अभी 3 हो जाएगा। तो ऐसे फ्री में देंगे बिना कुछ पैसा लिए। तो ऐसा बोनस शेयर किसको मिल सकता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिल सकता है। उसके अलावा राइट ऑफ राइट इश्यू, हाँ बेनिफिट ऑफ राइट इश्यू। राइट इश्यू क्या होता है, राइट इश्यू का मतलब होता है ऐसा इश्यू जिसके ऊपर शेयर होल्डर का अधिकार है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं, राइट इश्यू क्या होता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल कॉलेज से एफिलिएटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जैसे अपना IDBS कॉलेज है तो वो किससे रिलेटेड है, आई थिंक DAV से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं कॉलेजेस, जैसे घाटकोपर में एक कॉलेज है RJ कॉलेज, तो वो हिंदी हाई स्कूल जो उसके पीछे ही है उससे वो एफिलिएटेड है। तो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो किसी दूसरे कॉलेज से क्या होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। तो स्कूल, आप 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है जिस स्कूल में पढ़ता था उसका जो भी रिजल्ट आया, मार्क्स आया, तो उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज होगा, आपने देखा होगा वहां पर एक लिस्ट लगता है इन हाउस एडमिशन, या अभी वो सब बात जाने दो, आप 11th का 12th में ले लो ना, आप 11th स्टैंडर्ड में, अभी तो आपके एग्जाम्स हुए नहीं, आपको प्रमोट कर दिया गया, ज्यादातर हमको ऐसा न्यूज मिल रहा है कि सब लोग प्रमोटेड हैं, तो आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए। लेकिन सपोज 11th में आने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो फिर से आप क्या करते हो, एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो। तो जिसको 12th में एडमिशन उसी कॉलेज में लेना है उसके लिए कौन सा लाइन लगेगा, इन हाउस का, ठीक है। और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए अलग से फॉर्म मिलता है, अलग से उनको लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉलेज चाहते हैं भाई ये तो हमारे बच्चे हैं, इनको हमने ही पढ़ाया है, और जो भी परसेंटेज आए ये हमारी मेहनत की वजह से ही आए हैं, भले कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इनके लिए एक सेपरेट, क्योंकि कैसा होगा, ओपन रखेंगे तो शायद बाद में इनको एडमिशन मिले या ना मिले इसका भरोसा कम है। इसके लिए हमारे ही कॉलेज के बच्चे हैं तो हम इनको पहले अधिकार देंगे कि हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले। तो इनहाउस एडमिशन अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो ये राइट इश्यू समझ में आएगा। अभी राइट इश्यू का सुनो, हाँ, तो बाद में इनहाउस एडमिशन लिख के मत आ जाना कॉलेज में, हमको राइट इश्यू के बारे में लिखना है। तो राइट इश्यू के बारे में सुनो, कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया था पहले और जो लोग शेयर होल्डर बने थे, तो वो सारे लोग कंपनी के लिए क्या है, लॉयल है, बहुत ही ईमानदार है। कंपनी को जब पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने पैसे दिए थे। आज कंपनी ग्रो कर रही है, एक्सपांड कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, फॉरेन मार्केट में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, न्यू मार्केट को सर्च करके वहां पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, और ऐसे बिजनेस में जहां पर वो मल्टीनेशनल कंपनी बन रही है उसको और पैसे की जरूरत है। अब ऐसा माहौल है कि कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है ना मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत डिमांड है कंपनी की, लोग शेयर खरीदने के लिए मर रहे हैं कि कंपनी इश्यू करे तो उनको चाहिए ही चाहिए। ऐसे केस में कंपनी चाह रही है कि कुछ वो नए शेयर मार्केट में इश्यू करे ताकि उसके पास पैसे आए। अब क्या होगा, देखो शेयर का प्राइस अच्छा खासा चल रहा है, तो इससे अगर हम सबको कॉमन इश्यू रखें तो जो हमारे प्रीवियस शेयर होल्डर है, ऑलरेडी जो हमारे शेयर होल्डर है, वो बोलेंगे भाई हमारी ही कंपनी है तो पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए, इस शेयर के ऊपर पहला अधिकार हमारा है, क्योंकि हमने आपको जब जरूरत थी तब पैसे दिए थे, अब आपको पैसे की जरूरत है तो हम और देना चाहते हैं, हमको आप शेयर दो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं, ओल्ड शेयर होल्डर हैं, उनको ये पहला अधिकार मिलना चाहिए कि ये शेयर उनको मिले। उसके अलावा
जो मार्केट वैल्यू है ना उससे कम प्राइस में मिले। मार्केट में सपोज उसका 400 रुपए का रेट चल रहा है तो हम अपने शेयर होल्डर को 300 रुपए में दे देंगे, 200 रुपए में दे देंगे, 250 में दे देंगे, मतलब कुछ डिस्काउंट करके दे देंगे। बात समझ में आई? लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं रहेगा, ये भी किस पे रहेगा, रेशियो पे। वैसे ही 2:1 आपके पास 2 है तो आपको 1 मिलेगा, या 5:2 आपके पास 5 है तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो राइट इशू, लेकिन पहले मिलेगा, बाकी जनरल पब्लिक से पहले मिलेगा। हाँ, आपने नहीं परचेस किया तो हम लोग जनरल पब्लिक को दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। ठीक है, मार्केट में लोग खरीदने के लिए तैयार है। ये तो कैसा है, आप हमारे ओल्ड शेयर होल्डर हो और कहीं आपका ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए, दूसरे लोगों को शेयर मिल जाएगा और हमारे शेयर होल्डर को शेयर नहीं मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम आपकी एक सेपरेट लाइन रखेंगे जिसको हम बोलेंगे राइट इश्यू, और आपको आपकी कंपनी का नया शेयर जरूर मिलेगा, लेकिन रेशियो पे मिलेगा, जितना ऑलरेडी आप हेल्ड करते हैं उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, क्या ये राइट इशू, ये वाला राइट इशू क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या था, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट था, राइट इशू का आपको पैसा देना पड़ेगा, हाँ मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम होगा। ठीक है, चलो मुझे फटाफट बताओ पॉइंट नंबर 5 और 6 सबको समझ में आया क्या, किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट इज बोनस शेयर, व्हाट इज राइट शेयर। यस सर, एनीवन इज हैविंग डाउट? सुन रहे हो आप लोग मुझे? ऋतिक दवे, डाउट है कुछ, आप अपना माइक ऑन करके बोलना चाहते हो? चलो, कोई डाउट पूछना चाहता है तो माइक ऑन करो, मैंने यहां से अलाउ किया है, यू कैन आस्क। नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है, तो आई होप सबको बोनस शेयर और राइट इश्यू प्रॉपरली समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 और 6 वी हैव डन। पॉइंट नंबर 7 क्या बताया, ट्रांसफर फैसिलिटी। ट्रांसफर फैसिलिटी तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये शेयर कैसे होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कौन से, इक्विटी शेयर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर की। ठीक है, दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन। इक्विटी शेयर ऐसा शेयर है जिसका मार्केट में हमेशा एप्रिसिएशन होते रहता है, हाँ साथ में साथ डेप्रिसिएशन भी होता है, मतलब प्राइस बढ़ता है और कम होता है। और जो ओल्ड कंपनी आप देखेंगे, अभी रिलायंस इंडस्ट्री है, आप देखेंगे 1980 या 1970 में, 70s के टाइम पे, 80s के टाइम पे एक शेयर 1 रुपए में बेचता था, 1 शेयर 1 रुपीज। आज जो शेयर उसने परचेस किया होगा, किसी ने भी रिलायंस का अगर 1 रुपए का शेयर परचेस किया होगा, आज उसका रेट क्या है, लगभग 2 से 2500 एक शेयर का, 1 रुपए का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 2000 से 2500 रुपए का उसका वैल्यू हो गया। एमआरएफ टायर देख लो, एमआरएफ आपको मालूम होगा, मद्रास का जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ। ठीक है, तो उसका शेयर 10 रुपए का था और आज सबसे ज्यादा कॉस्टली ऑल ओवर इंडिया में शेयर किसका है, एमआरएफ का, उसका 58,000 से 60,000 रुपीज का एक शेयर बिकता है, सिंगल शेयर, ओनली वन शेयर फॉर 58,000 रुपीज एमआरएफ। तो देखो कैपिटल का कितना एप्रिसिएशन है। आज उस समय पर किसी ने पहले 1 रुपए में या 10 रुपए में शेयर परचेस किया होगा, आज की तारीख में उसका कितना हो तो करोड़पति, अब्जोपति हो गया होगा, है कि नहीं? तो यहां पर ये उसका पावर है किसका, कैपिटल एप्रिसिएशन का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके उसका कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। तो समझ में आ गया, इक्विटी शेयर होता है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, शेयर मार्केट चढ़ता भी है गिरता भी है तो प्राइस के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी देखो जैसे कोरोना का ये चल रहा है तो लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम हो गया, और उसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन है तो बहुत सारे शेयर के प्राइसेस क्या हो गए, गिर गए, और ये एक अच्छा मौका है, अगर किसी के पास पैसे होंगे तो शेयर मार्केट में इस समय पे लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि उनको कम प्राइस में स्टॉक मिल रहे हैं। तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये होता रहता है किसमें, इक्विटी शेयर में। ठीक है, नंबर 9 सूटेबिलिटी, किसके लिए सूटेबल है, ऐसे लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और रिस्क कौन लेता है,
ज्यादातर जो यंग जनरेशन है वही रिस्क लेते हैं। अब जो बुढ़ापे हैं, बूढ़े लोग हैं, खुद ही कब्र में पैर लटके हुए हैं, कब चले जाएंगे पता नहीं, है ना। होता है ना कोई कोई अभी सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर हुआ, उसके पास कुछ 6-7 लाख रुपए आए। अब उसको कोई बोलेगा भाई तू शेयर मार्केट में डाल दे, हो सकता है तेरे को 3-4 साल में 5 साल में डबल होके मिलेगा। और उसने पैसे लगा दिए और पैसे लगा दिए और शेयर मार्केट गिरा, इधर शेयर मार्केट गिरा और वो उठा, राम नाम सत्य है ना। रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती उसको शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर परचेस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं परचेस करना चाहिए? इक्विटी शेयर। कौन परचेस करे? जिनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है। और किसके पास? हमारे जैसे जो यंग जनरेशन है ना, जिनका एज 45 से नीचे है, वो लोग रिस्क ले सकते हैं, तो वो लोग शेयर ज्यादा परचेस कर सकते हैं। कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ? इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो रिस्क लेना जानते हैं उनके लिए ये सुटेबल है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि इक्विटी शेयर क्या है? रिस्की है। डिविडेंड भी लास्ट में मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी लास्ट में होगा। पॉइंट नंबर 10, टाइप। क्या टाइप है? तो इक्विटी शेयर के दो टाइप है। पहला, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब वन शेयर वन वोट। आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको एक वोट देने का अधिकार है। किसी ने 10 शेयर खरीद लिया तो उसको 10 वोट देने का अधिकार है। किसी ने 1 लाख शेयर परचेस कर लिया तो उसको 1 लाख वोट देने का अधिकार है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट, वन शेयर वन वोट। जितना शेयर होगा तो जो जितना जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसको उतना ज्यादा वोट देने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब जितना शेयर उसके पास है उतना उसको वोट देने का अधिकार होता नहीं है, उससे कम या उससे ज्यादा होता है। कैसे? तो आपको पता है जब भी मीटिंग वगैरह होती है ना, तो सारे के सारे शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं होते। अरे कौन बैठेगा मीटिंग, ठीक है ना, हर बार ये लोग वही सब डिसाइड करते हैं, है ना, जो होगा बाद में रिपोर्ट में मालूम पड़ जाएगा, फिर देख लेंगे, अपने को तो प्रॉफिट से मतलब। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के डिसीजन से कुछ लेना देना उनका है नहीं। तो कंपनी उनको क्या बोलती है? काम करो ना, ऐसे भी आप लोग मीटिंग में आते नहीं हो, तो आपका जो वोटिंग राइट है ना किसी इंटरेस्टेड पर्सन को बेच दो। बात समझ गए? जो आ रहा है रेगुलर, एक काम करो ना, अपना वोट उसको बेच दो और उससे पैसे ले लो। इससे फायदा क्या होगा? आप ऐसे भी मीटिंग में आते नहीं हो तो आपका वोट का पैसा आपको मिल गया, आप घर पे बैठो, आपको फिर वोटिंग राइट होगा नहीं। तो आपने अपना वोट जिसको दे दिया, आपकी जगह पे अब वो वोट देगा। क्यों? क्योंकि उसने आपका वोट खरीद लिया है, तो उसके शेयर पे ज्यादा वोट करने का अधिकार मिल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है, समझ में आया? चलो फटाफट बताओ ये दोनों पॉइंट, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो अगर नहीं समझा है तो फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। यस, एनी डाउट एवरीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बी, ओके, पॉइंट बी में डाउट है, ठीक है, लिसन वन सेकेंड। अच्छा, आप पहले ए को समझो। ए तो एकदम क्लियर था, ए क्या है? वन शेयर वन वोट। आपके पास 10 शेयर हैं, आपको 10 वोट मिलेंगे। आपके पास 100 शेयर हैं, आपको 100 वोटिंग पावर मिलेगा। अब हो जाता है पॉइंट बी, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है? कुछ लोग जो मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, खाली प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है कि साल खत्म होता है तो हमको डिविडेंड मिलना चाहिए, बस हम मीटिंग में अटेंड करने वाले नहीं है। तो भाई मीटिंग अटेंड करने नहीं वाले हो तो आपका वोट तो वेस्ट हो रहा है ना, आप वोट तो देते नहीं हो। तो एक काम करो ना, किसी दूसरे को जो इंटरेस्टेड पर्सन है अपना वोट उसको बेच दो आप, फिर आप कभी मीटिंग में मत आओ। आपको डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसको आपने ये वोट बेच दिया, दूसरे शेयर होल्डर को। अब वो शेयर होल्डर के पास हो सकता है 100 शेयर हो और आपके पास कितने शेयर थे? आपके पास 50 शेयर थे, ठीक है ना। तो आपने अपने वोट वो 100 शेयर वालों के साथ में बेच दिया। तो अब जो जिसके पास 100 शेयर था, पहले उसके पास अधिकार था 100 वोट देने का, बट अभी उसने आपके शेयर्स का वोट खरीद लिया, तो अब वो 150 वोट दे सकता है। भले उसके पास 100 शेयर है लेकिन वो वोट कितने दे सकता है? 150 वोट्स दे सकता है। इसको हम बोलेंगे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा उसको राइट मिल गया वहां पर। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो हमने देखा था,
ठीक है ना, फेस वैल्यू के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, थोबड़ा प्राइस हम लोग उसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि जो सर्टिफिकेट के ऊपर प्राइस लिखा होता है वही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, बराबर है। चलो अभी फटाफट, अभी एक प्रेफरेंस शेयर हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, आपने इक्विटी शेयर समझ लिया। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ध्यान से देखो, हाँ इजीली समझ में आ जाएगा आपको। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स विच एंजॉय प्रेफरेंस और प्रायोरिटी, जिनको पहला अधिकार मिल रहा है, लाइन में वो सबसे आगे खड़े हैं, इक्विटी शेयर उनके पीछे खड़े हुए, ये सबसे आगे खड़े हैं, कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना, जिनको क्या मिल रहा है, एंजॉय प्रेफरेंस और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मिल रही है ओवर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर से पहले खड़े हैं, किसलिए खड़े हैं, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब भी डिविडेंड मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ऐसा किसने बोला, ऐसे लॉ ने बोला, ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोला कि जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उसको डिविडेंड पहले मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा, पहले लाइन में वो रहेंगे। तो यहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इसलिए उनका रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उनको पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल क्लेमेंट। आपको कहीं पे ये वर्ड मिलेगा, क्या वर्ड मिलेगा, रेसिड्यूअल क्लेमेंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब लास्ट, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है। पहले किसको मिलेगा, फर्स्ट राइट इज विथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो चाहे डिविडेंड की बात हो, चाहे रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो, पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर। यही एक अंतर है दोनों के बीच, ठीक है। दस, प्रेफरेंस शेयर एंजॉयज टू प्रेफरेंशियल राइट। तो दो टाइप के उसका राइट है, पहला फिक्स्ड एनुअल डिविडेंड, इनका डिविडेंड भी फिक्स होता है। देखो कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन इनका डिविडेंड अगर बोल दिया स्टार्टिंग में इश्यू करने के टाइम पे, मैं बोल दिया आपको 10% डिविडेंड मिलेगा, तो हर साल इनको 10% डिविडेंड देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, समझ में आ रहा है। तो ये फिक्स्ड है इनका डिविडेंड, हमने इक्विटी शेयर में क्या देखा था, फ्लक्चुएटिंग, चेंज होते रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे देखो हम लोग लोन देते हैं किसी को तो हमको इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, वैसे इसके अंदर क्या है, डिविडेंड फिक्स है, ठीक है। यस तन्मय एंड ऋतिक, डू यू हैव एनी डाउट, ये पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है, प्रेफरेंस शेयर अगर आपको नहीं समझ में आया हो यू कैन आस्क मी। माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं तन्मय, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया मुझे लगता है। तो आप सीधी भाषा में क्या बात करेंगे, आप सीधी भाषा में ये बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट और दे हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी। कंपनी के बंद होने के टाइम पे कैपिटल पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। दस, प्रेफरेंस शेयर एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट, तो उसको पहला मिलता है फिक्स्ड एनुअल डिविडेंड, मतलब हर साल उनका जो डिविडेंड का रेट रहता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, उनको उतना मिलना ही है। दूसरा, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी जब बंद होगी तो उनको क्या मिलेगा, कैपिटल सबसे पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा, ठीक है। टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स, फीचर्स फटाफट देख लेते हैं, विद इन 15-20 मिनट्स ओवर हो जाएगा, ओके। फीचर्स देखो, प्रेफरेंस शेयर पहला फीचर्स क्या है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब डिविडेंड भी पहले मिलेगा, कैपिटल भी पहले मिलेगा, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो इसमें देखो जो रेड में है, रेड में कौन है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर पीछे है। तो ये मैंने एक बताने की कोशिश की है कि आप समझो कि सबसे पहले डिविडेंड हो या रिपेमेंट ऑफ कैपिटल हो, किसको मिलेगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है, ये प्रेफरेंशियल राइट है। नेक्स्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड रहता है, बंधा हुआ पैसा है, आपका कुछ अमाउंट कम नहीं होने वाला, आपको जितना वादा किया है उतना पैसा आपको दिया जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबिलिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड को समझो, रिडीम, रिडीम करना मतलब मुक्त करना,
अभी देखो पिक्चर में, पिक्चर से थोड़ा सा रिलेट करने जैसा बनाया गया है, आपको ये मालूम होगा इसको बोलते हैं बूम रैंक। आपने कभी मोगली वगैरह देखा होगा तो उसमें भी इसका यूज हुआ है ऐसा, ठीक है। तो बूम रैंक क्या होता है? बूम रैंक मतलब ये एक ऐसा हथियार होता है कि आप इसे फेंको तो ये रिटर्न आपके पास आता है। तो रिडीमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने पैसा लगाया तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको वो वापस मिल जाएगा। एग्जाम्पल सपोज मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है कितने का, 5 लाख रुपए का, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद वो पैसा मेरे पास वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो उसको मैं बोलूंगा 5 साल के बाद ये रिडीम हो गया। क्या हो गया? रिडीम हो गया, मुक्त हो गया। तो जो प्रिफरेंस शेयर होता है ना वो परमानेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? परमानेंट नहीं होता, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, इसका फिक्स्ड पीरियड होता है। क्या पीरियड होता है? हो सकता है 5 साल, हो सकता है 8 साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 12 साल, हो सकता है 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, मोर मैक्स टू मैक्स 20 इयर्स। तो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने भी साल के लिए आप ये क्या कर सकते हैं? शेयर इशू कर सकते हैं। और जब ये पीरियड खत्म हो गया तो आपको इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूं और मैंने 1 करोड़ रुपए का प्रिफरेंस शेयर इशू किया 5 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। अब जब 5 साल खत्म हो जाएंगे, आफ्टर 5 इयर्स मुझको इनका 1 करोड़ रुपीज क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ये परमानेंट कैपिटल नहीं है, इसको मैं अपने पास रख सकता नहीं हूं। जबकि हमने इक्विटी शेयर में क्या देखा था? वो परमानेंट कैपिटल था। तो कंपनी कभी रिटर्न नहीं करेगी। कब रिटर्न करेगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी तो, ठीक है। तो ये फर्क है इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर। वोटिंग राइट, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता था, क्या आपको वोटिंग राइट मिलेगा? नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा? नहीं। आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो वोटिंग राइट। ओके, उसके बाद है स्टेडी और रेगुलर इनकम। क्या आपकी इनकम रेगुलर है? यस, रेगुलर है। हमने देखा इनका जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो कैसा भी हो, आपको बोला है 10% तो आपको 10% मिलेगा। तो स्टेडी इनकम है, रेगुलर इनकम है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं था, ठीक है। टाइप्स, तो टाइप्स यहां पर देखो, यहां पर मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, और रिस्क फैक्टर। अच्छा ये क्या होता है टाइप्स ना, वो हम लोग अच्छे से इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट्स आता है तब हम देखेंगे क्या होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, और भी और टाइप है, और भी 4 टाइप है, वो देखेंगे हम लोग ध्यान से। रिस्क फैक्टर, क्या रिस्क उसमें इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा है? नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर से कम रिस्क है। क्यों कम रिस्क है? क्योंकि इसके अंदर पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी पहले मिलता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले हो जाता है, तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर से कम रिस्क है। इट इज लेस रिस्कियर देन इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, ज्यादातर आप देखेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसका फेस वैल्यू ना 10 रुपीज होता है। किसकी बात कर रहा हूं? इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ज्यादातर कितना होता है? मैक्सिमम टाइम पे वो 10 रुपीज होता है। और प्रिफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है? 100 रुपीज। किसका? प्रिफरेंस शेयर होल्डर का फेस वैल्यू ज्यादातर क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू उनको मालूम पड़ गया। नो स्पेशल बेनिफिट, ना इनको बोनस शेयर मिलेगा ना इनको राइट इश्यू मिलेगा, दोनों मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर को दोनों मिल रहा था, बोनस शेयर भी मिल रहा था, राइट इश्यू भी मिल रहा था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? हाँ देखो, अब ये प्रेफरेंस शेयर जो पॉइंट नंबर 7 रह गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, दूसरा है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, तीसरा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, चौथा है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं हम। पहला क्या है? क्यूमुलेटिव। एकदम ध्यान से सुनो, मैंने बताया इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेशन, जमा करना। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया? आप पहले मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं। सपोज जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उनका डिविडेंड फिक्स है कि हर साल आपको हम 20,000 रुपए डिविडेंड देंगे। हमने देखा कि उनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। तो हमने बोला हर साल आपको कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा, ठीक है, ये हमने बोला।
अभी इसमें ईयर 2009 में क्या हुआ, हमको लॉस हो गया। अभी लॉस हो गया और हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने उस साल डिविडेंड नहीं दिया। बोला भाई ठीक है आपको हर साल देना होता है, लेकिन इस साल हमारे पास पैसे ही नहीं, तो दे कहां से, नहीं दिया। 2009 में नहीं दिया, 2010 आया, उस समय भी लॉस हो गया। तो बोला कि नहीं भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको डिविडेंड देंगे नहीं। थर्ड ईयर 2011 में हमें ह्यूज प्रॉफिट हुआ, और ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो हम इस साल डिविडेंड देंगे। कितना देंगे, 20,000 ये साल का, और बाकी जो 2020 पिछले साल का बचा था ना वो मिला के 40,000, तो टोटल 60,000 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 60,000। समझ में आया क्या? तो जो पिछले साल का डिविडेंड हमने नहीं दिया था वो जमा होगा, एक्युमुलेट होगा। इसके लिए बोला क्यूमुलेटिव, देखो नाम में समझ में आ रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर, जिसमें क्या होता है डिविडेंड एक्युमुलेट होता है, जमा होता है। जो लास्ट ईयर का डिविडेंड हमने नहीं पे किया था वो अब हम पे करेंगे, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव, उसका उल्टा हो जाएगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 हमने बोला था देंगे भाई हर साल, तो क्या हुआ इसके अंदर भी 2009 में लॉस हुआ तो हमने डिविडेंड नहीं दिया, 2010 में भी लॉस हुआ हमने डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, 2011 में प्रॉफिट हुआ तो हमने बोला भाई ले लो डिविडेंड। कितना देंगे, लेकिन 20,000 ही देंगे। पिछले साल का डिविडेंड भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, क्योंकि आपका शेयर ही कैसा शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव, आपका शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है, तो आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा नहीं। जिस साल का नहीं मिला उस साल का भूल जाओ। सर ये तो नाइंसाफी, आपने बोला था फिक्स देंगे, तो फिक्स देंगे वो किसमें देंगे, क्यूमुलेटिव में देंगे आपको, नॉन क्यूमुलेटिव में आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा नहीं, ठीक है। ये दो पॉइंट में बोलो फटाफट, डाउट किसी को, नो डाउट, क्या बात है, आप सब लोग स्मार्ट हो एकदम, फटाफट समझ में आ रहे हैं, कोई कुछ डाउट नहीं पूछ रहा। अच्छा टीवी देखते देखते लेक्चर मत देखना, ये इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो आधा ध्यान आपका व्योमकेश बख्शी महाभारत रामायण में चलता रहे और आधा ध्यान आप इधर दोगे, तो ऐसा करना नहीं है आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, और कुछ डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एक हमने देखा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा हमने देखा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अब तीसरा, हाँ तीसरा क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसा प्रेफरेंस शेयर का पैसा जो हमने आज दिया है तो उसका पीरियड फिक्स है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी होगा वो फिक्स है, बाद में वो हमको वापस मिलेगा, ठीक है ना, उसको रिडीमेबल बोलते हैं। और इरिडीमेबल क्या हो जाता है, उल्टा, हमको पैसा मिलेगा नहीं, जिसको हम परमानेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली अब ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर होता नहीं है, ये सिस्टम को बंद कर दिया गया, अब कंपनी को बोल दिया गया आप कोई भी टाइप का इरिडीमेबल शेयर इशू कर सकते नहीं हो, है ना, आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग का मतलब आपको मैंने बताया था आपका डिविडेंड अमाउंट क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग है, जिसने बोला है भाई मैं पार्टिसिपेट करूंगा, किसमें पार्टिसिपेट करूंगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो मुझे जो डिविडेंड मिलता है वो तो देना, साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना, क्यों, क्योंकि ये कौन सा शेयर है, ये है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऑब्वियसली ये शेयर दूसरे शेयर से क्या होगा, महंगा होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है आपको, ठीक है। उसका उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो फिक्स है वही मिलेगा, उससे ज्यादा एक रुपया आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कन्वर्टेबल, अभी कन्वर्टेबल क्या होता है, देखो कुछ लोग कैसे होते हैं ना, इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया तो इतना ज्यादा लोगों का डिमांड था, हम सबको इक्विटी शेयर दे पाए नहीं, तो लोगों का दिल टूट गया कि नहीं भाई हमको तो इक्विटी शेयर चाहिए था और कंपनी के पास हमने अप्लाई किया था हमें मिला नहीं, तो कंपनी वालों ने क्या किया, एक टाइप का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर निकाला, कौन सा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और बोला कि देखो ये जो प्रेफरेंस शेयर है सपोज मैं 5 साल के लिए इश्यू कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ फैसिलिटी क्या है, 4 साल के बाद ना हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में। तो अगर आपको इक्विटी शेयर ही खरीदना है और आपको नहीं मिला तो बेटर एक काम करो, आप ये प्रेफरेंस शेयर ले लो, कौन सा प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल
प्रेफरेंस शेयर आप ले लो। अच्छा, इससे फायदा क्या है, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो अपने प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, इक्विटी शेयर में, ठीक है ना, समझ में आया। कब करवा सकते हैं, जो भी उसका पीरियड रहेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आपका प्रेफरेंस शेयर किसमें चेंज हो जाएगा, इक्विटी शेयर में, और उसका उल्टा नॉन कन्वर्टेबल जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप प्रेफरेंस शेयर में उसको कन्वर्ट कर सकते नहीं हो, आपका सिर्फ पैसा आपको वापस दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस के बदले में इक्विटी शेयर दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हम लोग ने इसके अंदर एग्जांपल्स देखा, अच्छे से हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा बाद में लेता हूं, हम लोग ने अभी भी कवर किया है, तो हम लोग एक चीज ले लेते हैं, डिस्टिंग्विश। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, तो हम लोग फटाफट डिस्टिंग्विश खत्म करके ये लेक्चर ओवर करते हैं, ओके। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फटाफट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में आपको अच्छे से अपने माइंड में रजिस्टर कर लेना है, ठीक है, और बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और उसको समझोगे। मीनिंग क्या था, मीनिंग में हमने देखा था इक्विटी शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। इक्विटी शेयर को क्या लिखोगे, शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर किसको लिखेंगे, शेयर्स विच एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर, ऐसा आपको उसका मीनिंग लिखना रहेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सॉरी आई मेड मिस्टेक, प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, आपको जो डिविडेंड का रेट वो लगे हमेशा वही मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी शेयर है उसमें डिविडेंड का रेट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, ठीक है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, और वो रियल ओनर्स हैं तो उनको क्या मिलेगा, नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेगा, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो रियल ओनर्स नहीं है, वो रिस्क लेते नहीं है, इसके लिए उनको वोटिंग राइट मिलेगा नहीं, ठीक है। नंबर 4, टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर में हमने टोटल 8 टाइप देखे, 8 टाइप कौन से, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना, और रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये 8 टाइप हमने देखे। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इसमें 5th पॉइंट, अपील टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या अपील है, अपील टू एडवेंचरस, ये सूटेबल किसके लिए, सूटेबिलिटी की बात हो रही है, तो जो एडवेंचरस है ऐसे शेयर होल्डर जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं वो लोग इक्विटी शेयर परचेस करते हैं, और जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते वो लोग प्रेफरेंस शेयर परचेस करता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो एजेड पर्सन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, सिक्योर माइंड के होते हैं कि नहीं हमको रिस्क नहीं लेना है, तो वो प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग इक्विटी शेयर परचेस करते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू, ज्यादातर हमने देखा कि नॉर्मली 10 रुपीज होता है, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली 100 रुपीज ऐसा फेस वैल्यू होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे बढ़ेंगे, तो यस पॉसिबल है, इक्विटी शेयर के केस में पॉसिबल है ये, आपका जो भी पैसा रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 इयर्स 15 इयर्स में काफी ग्रो कर जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का बहुत ही कम, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो 10 साल के बाद भी वो 105-110 रुपए का होगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, जबकि इक्विटी शेयर उसमें थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, बोनस शेयर, क्या बोनस शेयर मिलेगा इक्विटी शेयर को, यस इक्विटी शेयर को बोनस शेयर मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर नहीं मिलेगा, कोई फ्री शेयर उनको बाद में मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही राइट शेयर की बात करते हैं,
राइट इश्यू क्या इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है? हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इश्यू मिलता है। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट इश्यू मिलेगा? नहीं, उनको राइट इश्यू मिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तभी ही इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा, तो इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट मिलता है, इसलिए इसमें रिस्क कम है। ठीक है, तो ये सबसे आगे खड़े रहते हैं पैसा लेने के लिए। रिस्क इन्वॉल्व हाईली रिस्की, और यहां पर रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, तो डन फॉर द डे। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। आज के टॉपिक में हमने देखा इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, और डिस्टिंग्विश भी हमने फिनिश किया। तो रह जाता है टेक्स्ट बुक का रीडिंग। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का रीडिंग आप लोगों को करना है, और प्लस जितना हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपको टू टाइम लिखना है। क्या लिखना है आपको टू टाइम? आपको लिखना है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उसका मीनिंग एंड फीचर्स। और बेटर होगा अगर आप डिस्टिंग्विश को भी दो बार लिख लें। ठीक है, तो ई बुक में आप देखना, वहां पर डिस्टिंग्विश आपको दिया रहेगा, तो उस डिस्टिंग्विश को भी आपको टू टाइम्स लिखना है। ओके, चलो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं, किसी को कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी।